हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसऑर्डर। कल अपन ने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डील किया था, आज उसके डिसऑर्डर के बारे में डील करने जा रहे हैं। तो उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो बिना समय गवाए अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करते हैं कि लाइफ में ठोकर और जिंदगी में लाइफ में ठोकर लगना जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकती है। तो इसलिए जब भी आपको ठोकर लगती है तो उससे ठोकर के आपको सीख लेकर के उससे अपने आपके जीवन में जो भी परिवर्तन ला सकते हैं उसको जरूर अपने आप में उतारना चाहिए। तो जिंदगी में हमेशा संघर्ष से इंसान को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि संघर्ष से जो कभी परिचित नहीं हुआ इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। जिंदगी हो या व्हाट्सअप, लोग स्टेटस ही देखते हैं। इसलिए अपने आपके स्टेटस को मेंटेन बनाने के लिए, अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए आपको 80,000 की जॉब चाहिए, और 80,000 की जॉब के लिए आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो नर्सिंग ऑफिसर बन के दिखाना है। तो उसके लिए आपको जी जान से मेहनत करनी है, तो उस मेहनत में जुड़ जाइए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हमेशा आपको स्टडी करते रहना है कंटिन्यू में। तो अपन डील करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिसऑर्डर के बारे में, कौन कौन से मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिसऑर्डर होते हैं। तो सबसे पहले जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिसऑर्डर आता है, एमनोरिया के नाम से जानते हैं। एमनोरिया का मतलब होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंट हो जाना। ये आपकी एक नॉर्मल डेफिनेशन होती है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है कि एमनोरिया क्या होता है। तो एमनोरिया का मतलब होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंट हो जाना। लेकिन एक्चुअल में जो एमनोरिया होता है वो कौन सा देखने को मिलेगा? एक्चुअल में जो एमनोरिया होता है ट्रू पैथोलॉजिकल होगा, ट्रू होगा पैथोलॉजिकल होता है, सेकेंडरी होता है। यानी कि जो एक्चुअल में जो एमनोरिया होता है वो सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी टाइप का होता है, ट्रू होगा एंड पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजी की वजह से होता है, पैथोलॉजिकल कहलाएगा, यानी किसी डिजीज प्रोसेस की वजह से होता है, पैथोलॉजिकल कहलाता है। फिजियोलॉजिकल होता है जो नॉर्मली बॉडी प्रोसेस की देखने को मिलती है, फिजियोलॉजिकल कहलाएगा। तो एमनोरिया होता है मेनली जो ट्रू होगा, सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी ट्रू पैथोलॉजिकल होता है। तो सेकेंडरी ट्रू पैथोलॉजिकल आपको देखने को मिलता है एमनोरिया का क्लासिफिकेशन। अब इसमें सेकेंडरी ट्रू पैथोलॉजिकल में क्या होता है कि किसी भी लेडीज को या किसी भी फीमेल को जो प्री मेंस्ट्रुएटिंग थी, जिसको पहले से मेंस्ट्रुअल साइकिल आती थी, उस फीमेल में यदि किसी फीमेल में पहले से मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही थी और बिना किसी, ना तो उसमें प्रेगनेंसी है, ना वो लैक्टेटिंग मदर है और ना ही उसको मीनोपोज हुआ है, इसके अलावा अगर इसमें से कोई भी नहीं है, उसके बावजूद भी अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है तो उसे एमनोरिया के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर 6 मंथ से बिना ओवुलेशन, बिना प्रेगनेंसी के, लैक्टेशन के या फिर आपकी मीनोपोज के बिना, इनके इन कारणों के बिना अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 6 महीने से ज्यादा एब्सेंट हो जाती है उस फीमेल में जिसमें कि पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही थी, उसे एमनोरिया के नाम से जाना जाता है। और इसकी एक्चुअल डेफिनेशन होती है वो सेकेंडरी ट्रू पैथोलॉजिकल होगा। इसके जो क्लासिफिकेशन है एमनोरिया का उसके बारे में देख लेते हैं। तो एमनोरिया 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होगा वो फिजियोलॉजिकल देखने को मिलता है, यानी कि बॉडी की फिजियोलॉजी की वजह से फिजियोलॉजिकल देखने को मिलेगा, बॉडी की फिजिक्स की वजह से या फिजियोलॉजिकल के चेंजेस की वजह से देखने को मिलता है। सेकेंड वन होता है पैथोलॉजिकल देखने को मिलेगा, यानी किसी डिजीज प्रोसेस की वजह से अगर देखने को मिलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मलिटी या मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट देखने को मिलती है तो उसे पैथोलॉजिकल एमनोरिया के नाम से जानते हैं। फिजियोलॉजिकल में 2 टाइप का देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर प्राइमरी होता है एंड सेकेंडरी होगा, प्राइमरी होगा, प्राइमरी में क्या होता है एंड सेकेंडरी में क्या होता है इसको आगे डील करते हैं कि प्राइमरी में, अब आपको प्राइमरी पढ़ना है, प्राइमरी में देखते हैं कि ऐसी महिला जो कि आपकी अभी तक इसको मेंस्ट्रुएटिंग नहीं आया है, जिसमें कि मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ है अभी तक, बिफोर प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी नहीं आई है, अगर किसी फीमेल को बिफोर प्यूबर्टी एमनोरिया होता है, यानी कि प्यूबर्टी से पहले अभी उसमें सेकेंडरी
सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, प्यूबर्टी नहीं आई है, और उससे पहले अगर एमनोरिया देखने को मिलेगा, क्योंकि जब प्यूबर्टी नहीं आएगी तो प्यूबर्टी से पहले फीमेल जो गर्ल्स होती है उनमें मेनली एमनोरिया देखने को मिलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, लेकिन जैसे इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट होता है उस टाइम पे जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है मेनार्के कहा जाता है उसको, और जो लास्ट होती है जहां पर जाकर के पोज हो जाता है उसे मीनोपोज, यानी मीनो का मतलब होता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल थी और पोज का मतलब रुक जाना, तो मेनोपोज का मतलब हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना, जबकि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उसे नाम दिया जाता है मेनार्के के नाम से, इसको जाना जाएगा, तो बिफोर प्यूबर्टी से पहले होगा प्राइमरी कहलाएगा, लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी की बात करें कि यहां पर प्यूबर्टी तो आ गई है तो सेकेंडरी में जाएगा, यानी कि बिफोर प्यूबर्टी से पहले प्राइमरी होगा, लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी की बात करें कि प्यूबर्टी के बाद में मेनोरिया देखने को मिल रहा है तो इसे नाम दिया जाएगा सेकेंडरी पैथो सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया, और उसमें तीन कंडीशन इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। पहला तो है कि जो फीमेल थी वो आपकी भाभी जी बन चुकी है, यानी उसमें क्या हो चुका है, उसने प्रेगनेंसी डेवलप हो गई है, उसने अपने बच्चे को क्या कर लिया है, गर्भ धारण कर लिया है, यानी प्रेग्नेंट हो गई है। सेकंड नंबर पे आता है कि वो लैक्टेटिंग मदर है या फिर लैक्टेशन है, यानी कि अपने बच्चे को दूध पिलाती है, और जब बच्चे को दूध पिलाती है तो उस दौरान भी मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट देखने को मिलती है। थर्ड नंबर पे बात कर सकते हैं कि यहाँ पर जो मीनोपोज हो गया है, यानी कि वो फीमेल जिनको कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आना 45 ईयर के बाद या 45 से 50 ईयर के बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन को मीनोपोज कहते हैं। तो ये सभी कंडीशंस होती है आफ्टर प्यूबर्टी के बाद प्रेगनेंसी हो जाए, लैक्टेटिंग मदर हो जो कि अपने बच्चे को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, या फिर मीनोपोज वाली कंडीशन जहां पर मीनो का मतलब हो गया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का पोज हो जाना, और आफ्टर 45 to 50 ईयर के बाद में मीनोपोज हो जाता है। ये सभी कंडीशन फिजियोलॉजिकल में आएगी तो सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमनोरिया होगा, लेकिन प्राइमरी में बिफोर प्यूबर्टी जहां पर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स फीमेल में अभी डेवलप नहीं हुए हैं उससे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होती है तो उसे प्राइमरी में आएगा। सेकेंडरी में अब पैथोलॉजिकल देख लेते हैं, पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल की बात कर लेते हैं। तो पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल में अब पैथोलॉजिकल में बात करते हैं, ये भी टू टाइप का देखने को मिलेगा, पैथोलॉजिकल भी प्राइमरी होगा सेकेंडरी होगा। फर्स्ट वन ये भी प्राइमरी होता है एंड सेकेंडरी टाइप का देखने को मिलेगा, तो इसमें भी दो टाइप के देखने को मिलते हैं, फर्स्ट वन होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी देखने को मिलेगा। तो ये होगा किसके टाइप हो गए, ट्रू के टाइप है, यानी कि पैथोलॉजिकल भी होता है। अब पैथोलॉजिकल को पहले थोड़ा सा डील कर लेते हैं कि किस टाइप का देखने को मिलेगा, तो ये टू टाइप का हो सकता है। यहां पर एक आपको देखने को मिल सकता है, ये कंसील्ड हो सकता है, यानी कि कंसील्ड हो सकता है। कंसील्ड का मतलब होगा कि छुपा हुआ हो सकता है, या कि मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आती है लेकिन वो बाहर निकल करके वैजाइना के थ्रू ये एनवायरनमेंट में नहीं आ पाती है, अंदर ही रहती है, कंसील्ड कहलाती है। कंसील्ड का मतलब होता है छुपी हुई, छुपी हुई होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है लेकिन वो बाहर नहीं आ पाती है, रिवील्ड नहीं हो पाती है, कंसील्ड रहती है। दूसरे नंबर पे आता है ट्रू। अब ट्रू होता है ट्रू पैथोलॉजिकल और ट्रू होता है टू टाइप का देखने को मिलेगा। टू टाइप में फर्स्ट टाइप हो गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी टाइप, तो प्राइमरी होगा एंड ये भी टू टाइप का होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी होता एंड सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी टू टाइप का देखने को मिलेगा। प्राइमरी में आता है कि डिलेड प्यूबर्टी, अगर प्यूबर्टी है वो डिलेड है, डिलेड प्यूबर्टी देखने को मिल रही है, जो प्यूबर्टी थी यानी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स आ रहे थे फीमेल में वो डिलेड आते हैं, और इधर में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो आपका सेकेंडरी में बताया था अपन ने शुरू में कि ऐसी प्रीमेंस्ट्रुएटिंग फीमेल जिसमें पहले मेंस्ट्रुएशन आ रहा था लेकिन अब किसी कारण की वजह से ना उसमें लैक्टेशन है, ना वो प्रेग्नेंट है, ना ही उसका मीनोपोज हुआ है, लेकिन इन कारण के अलावा, इनके अलावा अगर कोई किसी
अन्य वजह से उसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं हो पाता है तो उसे ट्रू सेकेंडरी पैथोलॉजिकल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी या मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो मोर देन 6 मंथ एब्सेंट होगी विदाउट, पूरा लिख लीजिए इसको कि विदाउट प्रेगनेंसी लैक्टेशन एंड मेनोपॉज। ना तो उस फीमेल में मेनोपॉज है, ना प्रेगनेंसी है, ना लैक्टेशन है, ना तो भाभी जी बनी है, ना अपने बच्चे को दूध पिला रही है, ना ही उसमें अभी तक मेनोपॉज हुआ है। अगर इस कंडीशंस के अलावा अगर कोई कंडीशन देखने को मिलती है जिसमें 6 महीने से ज्यादा हो गया है और उसमें कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है तो ट्रू कहलाएगा। तो ट्रू में सेकेंडरी ट्रू पैथोलॉजिकल, और यही एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है एमनोरिया की, कि किसी भी प्री मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल में अगर कोई भी प्री मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल थी जिसमें बिना प्रेगनेंसी लैक्टेशन और मेनोपॉज के अगर 6 महीने से ज्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होती है तो उसे एमनोरिया के नाम से जानते हैं। अब इसमें प्राइमरी में देखिए कि इसमें 2 टाइप का हो सकता है। डिले प्यूबर्टी होगी तो डिले प्यूबर्टी में थैलार्के की बात करें तो मोर देन जो थैलार्के होगा थैलार्के की बात करते हैं थैलार्के मोर देन 14 ईयर से ज्यादा पर अगर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है तो उसे थैलार्के के नाम से जाना जाता है। और पूछा जाता है एग्जाम में कि फर्स्ट जो फीमेल का फर्स्ट सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स कौन सा होता है तो उसमें थैलार्के आंसर देना होता है। थैलार्के का मतलब होता है कि ब्रेस्ट की साइज का एनलार्जमेंट हो जाना, थैलार्के के नाम से जाना जाएगा। जबकि मेनार्के होगा, मेनार्के होता है वो 16 साल के बाद में देखने को मिलता है तो उसे डिलेड प्यूबर्टी के नाम से जाना जाता। ये 2 टाइप की यहाँ पर प्यूबर्टी से रिलेटेड देखने को मिलेगी, जिसमें थैलार्के था वो क्या हो गया था 14 साल के बाद ब्रेस्ट का डेवलपमेंट देखने को मिला, मेनार्के था वो 16 साल के बाद में आया है तो इसे डिलेड प्यूबर्टी कहते हैं। जबकि इसका दूसरा टाइप होता है प्रीकोशियस प्यूबर्टी, और प्रीकोशियस प्यूबर्टी में क्या होगा थैलार्के होता है वो 8 साल से कम में देखने को मिलता है, जबकि जो मेनार्के होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल वो 10 साल से पहले अगर किसी फीमेल गर्ल्स में देखने को मिलती है तो इसे कहा जाता है प्रीकोशियस प्यूबर्टी। जबकि डिलेड प्यूबर्टी में थैलार्के 14 साल के बाद होगा, मेनार्के 16 साल के बाद होता है तो ये पूरा है वो एमनोरिया कहलाता है। इसको अच्छी तरीके से आपने डील कर लिया है। इसके बाद में अपन डील करने जा रहे हैं कि क्रिप्टोमेनोरिया क्या होता है। क्रिप्टोमेनोरिया अपन ने यहाँ पर अभी डील कर लिया है कि क्रिप्टोमेनोरिया का मतलब होता है कि ऐसी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि क्रिप्टोमेनोरिया में निकल करके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो छुपी हुई रहती है, बाहर दिखाई नहीं देती है, क्रिप्टोमेनोरिया के नाम से जाना जाता है। अब इसकी और भी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के बहुत सारे डिसऑर्डर्स है, उनके बारे में एक एक के बारे में डील कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है किसका एपीमेनोरिया के नाम से जाना जाएगा, पॉलीमेनोरिया या एपीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया, और पॉलीमेनोरिया को ही नाम दिया जाता है एपीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया और एपीमेनोरिया, पॉली का मतलब होता है ज्यादा आ जाना। अब ज्यादा आएगा तो उसमें इंटरवल होगा, यानी कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल की इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल की फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ जाती है, और जो ड्यूरेशन होता है ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। यानी इसका मतलब देखिए क्या होता है, पोली का मतलब ज्यादा होता है, एपी का मतलब भी ज्यादा होता है, यानी कि एपी पॉलीमेनोरिया, मेनोरिया का मतलब हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब है पॉली का मतलब ज्यादा आ जाना, यानी कि फ्रीक्वेंसी थी मेंस्ट्रुअल साइकिल की जहां 1 साल में 13 आ रही थी वहां बढ़कर के अगर 15, 16, 17, 18 जितनी भी आ जाती है
13 से ज्यादा हो जाना पॉलीमेनोरिया के नाम से जाना जाएगा और इसे ही एपिमेनोरिया कहते हैं। इसमें जो फ्रीक्वेंसी थी जहां पर पहले एक साल में 13 या 14 आ रही थी वो बढ़ करके अगर 15-16 आने लग जाती है तो फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ गई है। पहले एक साल में इतनी आ रही थी अब बढ़ करके ज्यादा हो गई, लेकिन इसका ड्यूरेशन था पहले जहां 28 दिन की थी वो कम हो करके 21 दिन से भी कम हो जाती है। तो देखने को मिलेगा कि इसकी ड्यूरेशन तो थी वो कम हो गई लेकिन फ्रीक्वेंसी थी नंबर थे वो बढ़ गए हैं, लेकिन जो दिन का ड्यूरेशन था वो उसकी कम हो गई है। तो उसमें फ्रीक्वेंसी थी वो क्या देखने को मिलेगी, ज्यादा होगी लेकिन ड्यूरेशन होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो लेस देन 21 डेज, 21 दिन से भी कम वो देखने को मिलता है। बात करते हैं सेकंड नंबर पे कि पॉली के बाद में आता है ओलिगोमेनोरिया, और पॉली पहले ज्यादा था अब कम देखने को मिलेगा। तो ओलिगोमेनोरिया में जस्ट इसका उल्टा कर देना है, ओलिगोमेनोरिया, और ओलिगोमेनोरिया का मतलब होता है कि इसमें जहां पर फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ी थी अब यहां पे फ्रीक्वेंसी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, जस्ट उसका अपोजिट होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल की फ्रीक्वेंसी यहां पर कम देखने को मिलेगी। जहां पर पहले 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहे थे वन ईयर में, यहां पर कम होकर के 10 हो जाएंगे, यानी 13 से कम हो जाना ओलिगोमेनोरिया कहलाएगा, जिसमें फ्रीक्वेंसी थी वो तो कम हो गई लेकिन जो ड्यूरेशन था, अब इसका ड्यूरेशन की बात करते हैं, जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो ड्यूरेशन होगा वो बढ़ जाता है। तो ड्यूरेशन जब बढ़ेगा तो उसमें पहले जो 13 आ रही थी वो कम हो करके फ्रीक्वेंसी कम हो गई और अब 13 से कम आने लग गई है, तो ड्यूरेशन होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल की वो बढ़ जाती है, और बढ़ किसने जाती है, यानी मोर देन 35 डेज की इसमें ड्यूरेशन देखने को मिलती है। अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल का 35 डेज से ज्यादा ड्यूरेशन देखने को मिलती है तो इसे ओलिगोमेनोरिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें ड्यूरेशन बढ़ जाती है और ड्यूरेशन बढ़ने की वजह से उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी बार बार में आने की जो आवृत्ति थी वो कम हो जाती है, तो इसे ओलिगोमेनोरिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद में जो थर्ड नंबर पे आती है और वो आती है हाइपोमेनोरिया एंड हाइपरमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया, और हाइपोमेनोरिया का मतलब होता है कि जो ब्लीडिंग अमाउंट आ रहा था वो अब 20 ml से कम आने लग गया है। 20 ml से कम अगर यूरिन आउटपुट देखने को, सॉरी 20 ml से कम अगर ब्लीडिंग का अमाउंट देखने को मिलता है तो उसे मिनोर हाइपोमेनोरिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि ब्लीडिंग अमाउंट, जो ब्लीडिंग हो रही थी वो अगर आपको देखने को मिलती है भी, अगर किसी भाभी जी में खून की नदियां ना बह करके ब्लीडिंग का अमाउंट था वो 20 ml से कम देखने को मिलता है तो उसे हाइपोमेनोरिया के नाम से जाना जाता है। जबकि हाइपरमेनोरिया का मतलब होगा जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, जहां पर आपका 20 ml आ रहा था अब यहाँ हाइपरमेनोरिया में देखने को मिलेगा कि ब्लीडिंग का अमाउंट होगा वो बढ़ करके 80 ml से ज्यादा हो जाता है, यानी कि ब्लीडिंग अमाउंट इसमें यहाँ पर भाभी जी में खून की नदी बहती हुई अगर आपको दिखाई देती है तो इसे नाम दिया जाता है हाइपरमेनोरिया के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत ब्लड का लॉस होता है, हाइपरमेनोरिया कहलाएगा, जिसमें ब्लीडिंग अमाउंट 80 ml से ज्यादा हो जाता है। जबकि हाइपोमेनोरिया का मतलब होगा ब्लीडिंग अमाउंट होगा वो 20 ml से कम हो जाना हाइपोमेनोरिया के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में बाद में बात करते हैं किस में आएगा, इसके बाद में देखते हैं कि इसके बाद में आता है मीनोरेजिया, मीनोरेजिया, मेट्रोरेजिया और मीनोमेट्रोरेजिया। यहां से भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर कोई एग्जाम में।